नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉलिसी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं SBI से जुड़े हुए एक बड़ी योजना शेयर करने वाली हूं। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने हेल्थ केयर सेक्टर में एक सहायता प्रदान करने के लिए बिजनेस स्कीम आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस स्कीम योजना लॉन्च किया है। लोन योजना को बैंक द्वारा केस क्रेडिट किस्त लोन बैंक गारंटी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा लिया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत कारोबारियों को कम से कम लगभग 10 लाख रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा और इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक की सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट योजना के अंतर्गत कवर किए जा सकेंगे। इस योजना का फायदा आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन प्रोडक्ट हेल्थ केयर इकोसिस्टम से जुड़े संबंधित संस्थान जो कि हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, मैन्युफैक्चरर, क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाई में काम आने वाली लॉजिस्टिक कंपनियां, पैथोलॉजी लैब सप्लायर, डायग्नोस्टिक सेंटर और इंडपोर्टर्स लॉजिस्टिक कंपनियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। आपको मैं बता दूं कि आपको एक अमाउंट गैस भुगतान या बैंक गारंटी के दौरान पर लिया जा सकता है। इसका इस्तेमाल किसी नई पुरानी बिजनेस के सेटअप करने के लिए किया जा सकता है। स्मार्ट शहरों को इस योजना का अंतर्गत 100 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश के सभी मेट्रो सिटी में इस योजना के अंतर्गत कम से कम 100 करोड़ रुपए का लोन लिया जा सकता है, जिसमें चरणों में दिया जाएगा। फर्स्ट चरण में अर्बन सेंटर पर 20 करोड़ तक का लोन दिया जा सकेगा, जबकि दूसरे चरण में से लेकर के फोर्थ चरण यानी कि चौथे चरण में आने वाले शहरों के लिए संस्थान को लगभग 10 करोड़ तक का लोन देने का प्रावधान किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी इस योजना आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन के अनुसार अगर कोई संस्थान स्थापित करने के लिए कोई कंपनी 2 करोड़ रुपए तक का लोन लेने वाली है तो उसे कॉन्ट्रैक्टर या सिक्योरिटी जमा कराने की ज़रूरत नहीं होगी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट योजना के अंतर्गत आएगी और इसके अलावा भारतीय सरकार ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन का प्रावधान करने के लिए कोविड लोन के तहत RBI की तरफ से दिए जाने वाले राहत लोन के अनुसार दिया जाएगा। SBI बिजनेस लोन के लिए आवेदक की प्रोफाइल और व्यवसाय आवश्यकताओं पर ब्याज दर निर्भर करेंगी, जिसका उल्लेखन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, इस बिजनेस लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस स्वीकृत लोन राशि जो है वो 1 से 5% होगा। इसमें मिलने वाले लोन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से लेकर 500 करोड़ रुपए तक हो सकती है, जो पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के लिए गारंटी बेस पर दी जाएगी। SBI बिजनेस लोन के लिए भुगतान समाधि 12 महीने अर्थात 1 साल से 5 साल तक व्यावसायिक ज़रूरतों के हिसाब से ज़्यादा भी किया जा सकता है। लोन के अंदर मिलने वाली स्वीकृत राशि लोन लेने वाली कंपनी और व्यक्ति की प्रोफाइल और व्यक्तिगत जानकारी पर डिपेंड करेंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।